गाजा के रफा के भीतर हमास के सफाई के लिए इजरायली सेना काफी मशक्कत कर रही है, लेकिन हमास के हमले उसके विश्वास को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इजरायली सेना को रफा में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो हथियार हों या फिर सैनिक, दोनों ही मामलों में इजरायली फौज रफा में बैकफुट पर आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। दरअसल हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर लगातार रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। उत्तरी इजराइल का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जिसे हिजबुल्ला ने दहलाया ना हो, और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल पर कई सिलसिलेवार तरीके से हमले किए हैं। लेबनानी मीडिया अलमयादीन के मुताबिक हिजबुल्ला ने 28 मई 2024 की सुबह मार्गैलियट सेटलमेंट में की कई बिल्डिंग्स पर बमबारी की है। इसके अलावा मलिकिया साइट पर भी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने रॉकेट का एक जत्था दागा है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने इस सैन्य अड्डे के आसपास इजरायली सेना पर कई गोले दागे हैं। और इन हमलों के तुरंत बाद मिसगाव अम साइट पर भी हिजबुल्ला ने गोले दाग दिए। यहां पर इजरायली सेना ने हाल ही में एक सर्वेलांस उपकरण तैनात किया था, जिसे हिजबुल्ला ने एक ड्रोन हमले में साफ कर दिया है। आपको बता दें कि 769वीं ब्रिगेड के सैन्य अड्डे बेत हिल्लेल पर भी हिजबुल्ला ने आयरन डोम की बैटरी पर हमला किया है, और इस हमले के कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्ला ने मेरोन, सफसोफा और ट्रियोन सेटलमेंट पर ग्रेड रॉकेट्स का एक जत्था दागा है। इस हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हिजबुल्ला के इस हमले पर इजरायली मीडिया का कहना है कि लेबनान की तरफ से जो रॉकेट दागे गए थे वो 50 से कम नहीं थे, और हिजबुल्ला के इन हमलों को देखते हुए सेटलर्स से कहा गया है कि वो अपनी अपनी जगहों पर बने रहें जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने मेटुला सेटलमेंट में पहले तो इजरायली सैनिकों के मूवमेंट पर निगरानी रखी, और जैसे ही इन सैनिकों का मूवमेंट हुआ उन पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया। इसके अलावा किरियत शमोना सेटलमेंट पर हिजबुल्ला ने दर्जनों ग्रेड और फलक रॉकेट्स दागे हैं। इस हमले के साथ साथ हिजबुल्ला ने कफार चौबा हिल्स और जिब्दीन बैरिक्स पर भी आईडीएफ पर हमला किया है। लेकिन हिजबुल्ला के इन हमलों के बीच इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इज़ैक रेबिन के दफ्तर के पूर्व जनरल डायरेक्टर शिमोम शीव्स का कहना है कि इजराइल अल जलील को गंवा चुका है, और ये सामान्य सच है। अब इजराइल की सुरक्षा बेल्ट लेबनान के साथ अमियद एकर लाइन से होकर गुजरती है।